हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल लर्निंग इज फन आज आज का जो टॉपिक है आपके सामने लाई हूँ टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग ये पार्ट वन है इसमें दो स्टोरीज है ये पार्ट वन है और इसका जो आ, ये स्टोरी का जो नाम है इस, ये है his first flight. तो स्टोरी स्टार्ट करने के पहले मैं आपको इनके राइटर से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ लियम ओ फ्लैर्थी ये जो है ही वॉज एन आयरिश नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर इनका जो जन्म हुआ था ये 28 अगस्त 1896 कहां पे इन द रिमोट विलेज ऑफ सिक्स कैपल इन गैलवे एंड ब्रेड और इनका जो डेथ हुआ था ऑन सेवेंथ ऑफ सेप्टेम्बर लिटरेली फिगर सम ऑफ हिज बेस्ट नॉवेल्स जिनसे वो बहुत ज्यादा फेमस हुए थे वो है द इन्फॉर्मर रिटर्न ऑफ ब्रूट आज जिसके हम बारे में पढ़ेंगे वो है हिज फर्स्ट फ्लाइट ये जो स्टोरी है ये स्टोरी

यानी एक चट्टान का जो है एक तिरछा भाग वहां पे ये यंग सीगल जो है वो अकेला खड़ा है देख रहा है कुछ तो भी देख रहा है चलिए क्या देख रहा है वो देख रहा है कि हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स ऑलरेडी लर्नड द आर्ट ऑफ फ्लाइंग मतलब और वो भी कब अ डे बिफोर मतलब एक दिन पहले ही उसके जो दो भाई और बहन उसने उड़ना सीख लिया था आज वो अपने पेरेंट्स के साथ मम्मी पापा के साथ वो ऊंचे आकाश में उड़ान भर रहा है उसे ही वो बहुत दूर से देख रहा है ही ट्राइड लॉट बट अफ्रेड दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट ऐसा नहीं है कि ये यंग सिगल ने ट्राई नहीं किया था उड़ने का बट जितनी बार वो कोशिश करता था उतने बार उसके मन में जो है एक डर रहता था उसे हर बार लगता था कि कहीं उसका विंग्स सपोर्ट नहीं किया तो अगर मेरे मेरा जो वेट है मेरी बॉडी वेट अगर मेरे विंग्स ने सपोर्ट नहीं किया तो क्या होगा मैं तो गिर जाऊंगा उसे ऐसा फील हो रहा था वो बहुत बार ऐसा भी ट्राई किया कि वो आगे की तरफ मतलब ऐसा लीन किया मतलब झुका झुक के वो उड़ने की कोशिश किया बट एंड इन द सेकेंड मोमेंट उसको क्या फील हुआ कि नहीं नहीं मैं गिर जाऊंगा और वो पीछे की तरफ यानी जहां पे वो रहता है वो छोटा सा होल है वहां पे वो हर बार घुस जाता था और डर जाता था टेड स्कोल्डेड एंड थ्रेटेंड हिम यानी वो जो उड़ नहीं रहा था तो उसके जो पेरेंट्स है उसके मम्मी पापा इवन उसके भाई दोनों भाई और बहन जो है वो हमेशा उसको चिड़ाते रहते थे बेसिकली उनके पेरेंट्स जो है उसको बहुत ज्यादा टॉन्ट करते थे उसको स्कोल्ड उसको डांटते थे और थ्रेटेंड करते थे उसको डराते थे ये डराते थे दे थ्रेटेंड टू लीव हिम स्टाविंग एट द लेट अनलेस ही उसे हर बार ये बोलते थे कि देख तू उड़ना अगर नहीं सीखेगा तो तुझे खाना भी नहीं मिलेगा तुझे भूखे ही मरना पड़ेगा तो इस तरीके से उसको मतलब उसको डराते थे अब ये डराने के पीछे का क्या कारण है क्योंकि उसे बहुत माँ ने पापा ने बहुत ज्यादा मोटिवेट किया कि तू उड़ उड़ना सीख क्योंकि अगर एक बर्ड को लाइफ में आगे चलना है उसको खुद को सेफ गार्ड करना है क्योंकि पूरी लाइफ लॉन्ग तो पेरेंट्स उसको हेल्प नहीं कर सकता उसको देखभाल नहीं कर सकता तो किसी एक पर जब बच्चा बड़ा होता है तो वो बच्चे को खुद से उड़ना सीखना ही है तभी उसका लाइफ सेफ हो सकता है तो उसके पेरेंट ने उसको बहुत कोशिश किया कि वो उड़े बट उसने ऐसा किया नहीं तब पेरेंट्स ने सोचा कि उसको दूसरे तरीके से उसको सिखाया जाए इसलिए उसको थ्रटेंड कर रहे थे उसको डरा रहे थे कि तू अगर उड़ना नहीं सीखेगा तो तुझे खाना भी नहीं मिलेगा क्योंकि मैं तो तेरे लिए खाना नहीं लाने वाली ऐसा उसकी माँ उसको मम्मी पापा दोनों उसको बोल रहे थे द सीगल हेल्पलेसली वॉचड हिस्स पेरेंट्स फ्लाइंग विदर एंड सिस्टर्स बेचारा डरा सहमा अपने ही वो लेड पर बैठा हुआ हेल्पलेस बिल्कुल असाहे, दूर, असाहे बैठे अपने पेरेंट्स को देख रहा था और उसके भाई और उसकी जो बहन है वो उड़ रहे थे उसे वो दूर से देख रहा था और सोच रहा था कितने अच्छे से इन, इन लोग उड़ रहे हैं मैं तो उड़ भी नहीं सकता लेकिन एक और फैक्ट ये था कि अगर कंपेयर किया जाए सीगल के जो विंग्स है यानी ये यंग सीगल के जो विंग्स है इसके अपने भाई और बहन के कंपेयर में इसका विंग्स ज्यादा बड़ा था यानि वे आराम से उड़ सकता था बट उड़ क्यों नहीं पा रहा था बिकॉज उसके अंदर वो करेज नहीं था उसमें वो आ, हिम्मत नहीं थी कि वो उड़े क्योंकि पहला स्टेप लेना ही बहुत बड़ा करेज है होता है तो इसमें वो करेज ही नहीं था कि वो पहला स्टेप ले तो विंग्स की वजह से वो उड़ नहीं रहा था वो उसके जो मन में ये डर था कि क्या मेरा विंग्स मेरे को सपोर्ट करेगा क्या तो विंग्स उसका प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि विंग्स अगर कंपेयर किया जाए तो उसका विंग्स ज्यादा बड़ा था अपने भाई और बहन से बट यहाँ पे प्रॉब्लम था उसका करेज तो वो करेज ही नहीं था वो मोटिवेशन ही था नहीं था उसके अंदर कि वो पहला वाला जो रिस्क है वो स्टेप ले तो दे पेरेंट्स वेर परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग बाई टीचिंग देम हाउ टू स्किम वेव एंड हाउ टू ड्राइव फॉर फिश तो बच्चे जो थे उन्यानी उन्यानी उसका जो दो भाई और एक बहन थी तीनों ने उड़ना तो सीख लिया था बट अभी जो है उसका पेरेंट उसको परफेक्ट बना रहे थे किसमें फ्लाइंग में क्योंकि फ्लाइंग इज ऑल्सो इज अ टाइप ऑफ आर्ट तो इसमें सिखा रहे थे कि किस तरीके से हवा के वेव्स के विंड के वेव के हिसाब से खुद के खुद के बॉडी को ट्विस्ट एंड टर्न किया जाए जिससे कि स्मूथ फ्लाइंग हो सके और उसके साथ साथ वो ये भी सिखा रहे थे हाउ टू डाइव फॉर फिश यानी किस तरह से डाइव करना है और फिश को लेना है पानी से ये उसे परफेक्ट कर, कर रहे थे इस स्किल में सो so, तो इसमें क्या है सीगल हेल्पलेसली वॉच्ड हिस्स पेरेंट टोंटिंग हिम फॉर हिस्स कार तो यहाँ पे क्या हो रहा है सीगल जो है दुखी होके देख रहा था और सोच रहा था कि क्या मैं कभी उड़ पाऊंगा और साथ में वो बहुत ही दुखी मन से सह भी रहा था कि उसके जो पेरेंट है उसको टॉन्ट कर रहे थे उसको बोल रहे थे ओ यू आर काउड यू कैन नॉट फ्लाई तुम रिस्क नहीं ले सकते तुम डरपोक हो इस तरीके से उसे टॉन्ट कर रहे थे तो ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, शी पिक्ड अ पीस ऑफ फिश तो इस बीच में उसकी माँ क्योंकि माँ में तो वो ममता रहता ही है तो माँ जो है वो दूर से उसे देख रही थी उसे से लग रहा था कि नहीं अब जितना हमने कोशिश किया कर लिया बट उसका रिजल्ट जो है वो नहीं निकल रहा रिजल्ट क्या था सीगल शुड नो हाउ टू फ्लाई ये तो हो ही नहीं रहा था तो उसकी माँ ने सोचा कि मुझे कुछ दूसरा स्टेप लेना चाहिए ये सोच के उसकी माँ ने मछली के एक टुकड़े को उठा लिया अपने बीक में तो क्योंकि जो यंग सीगल था काफी दिन से यानी काफी समय से उसने कुछ खाया नहीं था तो उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी वो हर बार वो वेट कर रहा था कि उसकी माँ कुछ उसको लाके दे और वो खाए बट उसकी माँ ने तो उसको थ्रेटन किया था कि जब तक तू उड़ेगा नहीं तब तक मैं तेरे को कुछ भी लाके देने वाली नहीं हूं तो इसी तरीके से यंग सीगल ने बहुत देर से कुछ नहीं खाया तो उसे बहुत भूख लगी थी तो मैड बाय हंग ही लीड आउट ईगरली एंड डाइव एट द फिश मतलब भूख लगी थी कि वो रह नहीं पाया जैसे उसने माँ को देखा कि उसकी माँ उसके लिए मछली लेके आ रही है उसके पास तो उसने वो झपट्टा मारने के लिए वो डाइव किया तो फिश की तरफ वो झपट्टा मारने के लिए बट हुआ क्या बिकॉज ये जो यंग सीगल था वो तो ऊपर पहाड़ी पे बैठा था लेड्स पे बैठा था तो उससे वहां से वो गिरा लाउड स्क्रीम वो बहुत जोर से चिल्लाया बहुत डरावना डर गया था और वो हवा के बीच में ऐसा झूलता रहा आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इन टू तो द स्पेस ऐसा लग रहा है जैसे वो शून्य में यानी स्पेस में कहीं तो भी वो गिर रहा है धीरे धीरे जमीन की तरफ आ रहा है उस, उसका मन यानी उसके धड़कन बहुत तेज हो गया था कि अब क्या होगा क्या मैं गिर जाऊंगा उसके मन में बहुत ज्यादा टेंशन आ गया था तो आ, तो इस बीच क्या हुआ और आ, फिर इसी बीच जब वो खूब ज्यादा डर गया था तो खुद को बचाने की कोशिश करने लगा और करते करते अचानक से उसके पंख जो है वो फड़फड़ाने लगे द सीगल कंप्लीटली फॉगट फॉगर्ट दैट ही वॉज नॉट एबल टू फ्लाई He saw a green sea beneath him. तो वो इस बीच जब उसने पंख को फड़फड़ाया तो ये भूल गया था कि उसे तो उड़ना ही नहीं आता तो भूल गया था और वो अपने पंख को जोर जोर से हिलाने लगा और वो उड़ना वो उड़ना शुरू कर दिया उसने क्या देखा कि वो उसकी जो बॉडी है वो हवा में जो है वो उड़ रही है और वो काफी देर तक खुद को उड़ाते रहा और वो मतलब बहुत ज्यादा खुश था और क्योंकि वो काफी देर से कुछ खाया नहीं था तो वो जो बहुत ही मतलब थका हुआ सा था और वो धीरे धीरे नीचे की तरफ डाइव किया और उसने खुद को फील किया कि कि वो जो है पानी को उसका जो बॉडी है वो पानी को टच कर रहा है तो और उसे बहुत ही खुशी हो रही थी उसने क्या देखा अपने नीचे हरे समुद्र को देख रहा था उसे देख के उसे बड़ी खुशी हो रही थी और उसके माता-पिता यानी उसके मम्मी पापा उसके भाई बहन उसकी ओर इशारा करके आवाज कर रहे थे चिल्ला रहे थे बिकॉज़ दे वर आल्सो वेरी एक्साइटेड उसको बहुत खुशी हो रही थी उनको कि आखिर तक मेरा जो भाई है सिग्ल है वो सीख गया उड़ना तो इसी बीच क्या वो बहुत ही थक गया था और भूख के कारण वो कमजोर भी फील कर रहा था तो उसके पैर हरे समुद्र में डूब गए अब वो देखो किस तरीके से मछली भी लेना वो सीख रहा था तो वो समुद्र में डूब गए और उसका पेट पानी को स्पर्श करने टच करने लगा तो लेकिन ये ही ही सैंक नो फर्दर यानी वो पानी में डूबा नहीं और इसी करतब में उसके फैमिली जो है बहुत ज्यादा खुश हो गए हिज फैमिली वेर प्रेजिंग हिम एंड बीक्स वेर ऑफरिंग हिम स्क्रैप ऑफ फिश तो क्योंकि यानी जो उसके मम्मी पापा का मोटो था कि उसको फ्लाई ही शुड नो हाउ टू फ्लाई वो उसने कर लिया था तो नाउ एज अ गिफ्ट एज अ टोकन ऑफ लव उनके जो पेरेंट है उ, 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 उन उसको क्या कर रहे थे ऑफर कर रहे थे फिश उसको अपने चोच के उसको दे रहे थे एंड एट लास्ट ही है स्टोरी यू हैव नाउ आई थिंक यू हैव अंडरस्टंड होल चैप्टर वॉट इज इट अबाउट चलिए हम इसका थीम देख लेते हैंज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस द स्टोरी इज अबाउट सेल्फ रिलायंस वेर अल हुज ऑफ लर्निंग हाउ टू फ्लाई यानी ये जो फर्स्ट फ्लाइट ये जो चैप्टर था ये एक तरह का पैराबल है पैराबल मीन्स इट इज अ स्टोरी जिसमें मॉरल होता है हमको मॉरल मिला क्यों कै, कैसा मैं बताती हूँ आपको ऑन द थीम किसमें ये पूरा का जो स्टोरी था किसमें फोकस था करेज यानी उसके अंदर करेज नहीं था करके वो उड़ नहीं पा रहा था विंग्स उसका प्रॉब्लम नहीं था करेज उसका प्रॉब्लम था एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस वो कॉन्फिडेंस की कमी थी कि हा मैं कुछ कर सकता हूँ तो जैसे ही उसमें वो कॉन्फिडेंस आया नहीं जब उसको लगा कि नहीं मैं अब मरने वाला हूं और उसने अपने पंख को फड़फड़ाया उसी क्षण उसे पता चल गया जो उड़ नहीं पा रहा था सिर्फ मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी के कारण ऐसा हो रहा था स्टोरी इज अबाउट सेल्फ रिलायंस खुद के ऊपर विश्वास रखना हम बहुत कुछ कर कर सकते हैं अपने लाइफ में बट हम कर नहीं सकते क्यों क्योंकि एक तो हम कंफर्ट जोन के अंदर रहते हैं और दूसरा है हम जो है खुद को बिलीव नहीं कर पाते ये आई कैन डू तो ये चीज हम हमको ये डेवलप करना है अपने अंदर अपना सेल्फ रिलायंस एंड ऑल्सो की अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डेवलप करना कर, करना है वेयर अ सीगल हु इज ऑन इट स्टेज ऑफ लर्निंग हाउ टू फ्लाई तो यहां पे उस स्टेज में था कि किस तरीके से उड़ना है हमको तो लग रहा है बहुत ही सिंपल है बट इट इज ऑल्सो इट इज अ टाइप ऑफ आर्ट तो इसे भी सीखना पड़ता है तो ये वो सीख नहीं पा रहा था क्योंकि उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था करेज नहीं था उसके अंदर सेल्फ रिलायंस यानी खुद के ऊपर विश्वास करने की क्षमता नहीं थी इट ऑल्सो डील्स थीम ऑफ हाउ टू ओवरकम फियर एंड मूव फॉरवर्ड ये जो कहानी है ये ये भी चीज है इसके ऊपर भी फोकस किया है कि किस तरीके से खुद के अंदर जो डर है डर को भगाना एंड मूव फॉरवर्ड और आगे प्रोग्रेस की तरफ आगे की ओर देखना तो ये स्टोरी इसी के ऊपर था इवन ये जो स्टोरी में हमने देखा कि उसके मम्मी पापा भाई बहन सब टोंट कर रहे थे है ना तो हमें बड़ा ही थोड़ा सा नेगेटिविटी लगी होगी यहाँ पे आपको भी लगा होगा कि क्यों उसके पेरेंट्स बेचारे सीगल को इतना ज्यादा टोंट कर रहे थे उसको थ्रेटेंट कर रहे थे तो इसके पीछे कारण भी था द मदर सीगल टर्न टू बी क्रूएल बट हर इंटेंशन was काइंड शी wanted हर यंग वन टू लर्न द आर्ट ऑफ flying. क्योंकि ये सब करने के पीछे कारण क्या था कि उसकी माँ खाली एक ही चीज चाह रही थी कि बेटा तू सीख ले उड़ना सीख ले क्योंकि जब तक तू नहीं उड़ेगा तब तक तू सेफ नहीं है ऐसे ही जिराफ के साथ भी होता है जिराफ जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसकी माँ उसको एक लात मारती है और दूर फेंक देती है तो बच्चा को समझ नहीं आता है और वो जैसे ही फेंकता है तो वो बच्चा जो है चल चल के स्टेप बाय स्टेप वो माँ के पास आता है जैसे ही आता है खुद को संभाल भी नहीं पाता कि फिर से माँ एक लात मारती है तो बच्चा दूर जाता है अब वो दौड़ के आता है तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या है माँ बेचारा बच्चा जो अभी जन्मा है उसे लात मार रही है तो क्यों ऐसा करती है वो तब तक लात मारती है बच्चे को जब तक वो बच्चा दौड़ना नहीं सीखता क्योंकि माँ को मालूम है कि हर वक्त वो अपने बच्चे को अपने साथ नहीं रख सकती कभी ना कभी ऐसा क्षण आ सकता है कि जब उसे अपने बच्चे को छोड़ के इधर उधर जाना ही पड़ेगा तो इस वक्त वो बच्चा खुद को सेफ गार्ड कैसा करेगा तो सेफ गार्ड करने के लिए जिराफ को आना चाहिए बच्चा जिराफ को आना चाहिए कि, कि किस तरीके से दौड़ा जाए किस तरीके से खुद को प्रोटेक्ट किया जाए तो कभी कभी माँ माँ या पापा यानी कि हमारे जो पेरेंट्स है हमारे साथ अनकाइंड होते हैं हमें ऐसा फील होता है कि वो अनकाइंड है बट नेवर गिव अप कभी भी ऐसा डिस्करेज मत हो क्योंकि पेरेंट्स जो है हमें हमेशा हमारी भलाई के लिए ही करते हैं तो जो अगर वो अनकाइंड हमारे साथ है तो उसके पीछे भी कोई पॉजिटिव मोटो है जो हम उस वक्त तो समझ नहीं पाते लेकिन बाद में धीरे धीरे हमें पता चल जाता है तो आई होप यू हैव एंजॉयड द लेसन एंड ऑल्सो यू हैव अंडरस्टंड थीम ऑफ द स्टोरी सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर And comment in the comment section box. Subscribe my channel and see you in the uh, next video. Please press the bell icon for the notification of the new videos. Bye.